पंजाब किंग्स की हार से मुंबई इंडियंस को मिला तोहफा, क्योंकि अभी भी इस टीम के पास है प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने का मौका। जी हां नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। क्रिकेट का महासंग्राम यानी वीवो आईपीएल 2021 का फेज 2 फिलहाल काफी ज्यादा रोमांचक मोड पर आ चुका है। आपकी तीन टीमें आईपीएल 2021 के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर चुकी है, केवल एक स्लॉट यहां पर खाली, और वही उस स्लॉट के लिए यहां पर तीन टीमों के बीच फिलहाल तगड़ी बहस, तगड़ी जद्दोजहद जारी है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिटमैन की सेना मुंबई इंडियंस के बारे में, क्योंकि भाई आप सभी को पता है कि पॉइंट्स टेबल में तो मुंबई इंडियंस के हालात अभी भी खराब है, लेकिन अभी भी यहां पर एक ऐसा मौका है, एक ऐसा चांस है जिसके चलते मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2021 के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती है। क्या होने वाला है वो तरीका और उसके लिए क्या यहां पर पूरा का पूरा सिनेरियो बनने वाला है, उसको पूरी तरह से इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम बात कर लेते हैं आईपीएल 2021 के प्लेऑफ्स के पूरे सिनेरियो की। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आपकी चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और यहां पर आपकी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, तीन टीमें प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर चुकी है। आपकी पंजाब किंग्स और आपकी सनराइजर्स हैदराबाद आपके प्लेऑफ्स की रेस से पूरी तरह से रूल्ड आउट हो चुकी है। तीन टीमों के बीच फिलहाल रेस जारी है, जो आपकी मुंबई इंडियंस, आपकी कोलकाता नाइट राइडर्स और आपकी यहां पर राजस्थान रॉयल्स है। लेकिन आईपीएल 2021 की पॉइंट्स टेबल को आप सभी लोग मेरे साइड में देख पा रहे हैं, जहां पर भाई मतलब काफी इंटरेस्टिंग ये फिलहाल रेस बनी हुई है, जहां पर भाई हालांकि पंजाब किंग्स का नाम हमें नंबर 5 पर देखने को मिल रहा है, लेकिन भाई पंजाब किंग्स यहां पर ऑफिशियली रूल्ड आउट हो चुकी है, अभी यह टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। जो रेस है फिलहाल कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस और यहां पर राजस्थान रॉयल्स के बीच है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के लिए जो बुरी खबर है ना, वो ये कि भाई इस टीम के जो दो मैच बचे हुए, दोनों मैच एक मुंबई इंडियंस के खिलाफ, एक केकेआर के खिलाफ है, यानी ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो यहां पर पूरी तरह से उलझा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम अभी भी यहां पर क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन यहां पर इसके लिए मुंबई इंडियंस की टीम को अपने बचे हुए दोनों महामुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी। लेकिन भाई उसके लिए यहां पर एक मैच के ऊपर मुंबई इंडियंस की टीम पूरी की पूरी तरह से डिपेंडेंट है, उसके बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एमपीएल के बारे में, क्योंकि यहां पर अपने सब्सक्राइबर्स रोजाना जीत रहे हैं आईफोन 12 और इसके अलावा फैंटेसी टीम बनाकर आप यहां पर जीत सकते हैं रोजाना लाखों रुपए। इस ऐप के काफी सारे की फीचर्स है, सबसे सेफ ऐप है, 100% ट्रस्टेड ऐप है, सबसे कम मार्जिन ये रखते हैं, और भाई यहां पर सबसे आसान टीम बनाना होता है, आपको बिल्कुल रियल प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, और भाई सबसे बड़ी बात आपको यहां पर टीम बनाने के लिए खुद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यहां पर इनके जो एक्सपर्ट्स है दीप दास गुप्ता जैसे एक्सपर्ट्स है जो आपको टीम बनाकर देंगे। और आज के महामुकाबले के लिए जो हमारी टीम है उसको भी आप सभी लोग साइड में देख पा रहे होंगे, भाई हम तो यही टीम से खेलने वाले हैं। आप भी जरूर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से एमपीएल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया कि भाई मुंबई इंडियंस की टीम फिलहाल एक मैच पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, जो मैच हमें 7 अक्टूबर को शायद राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच देखने को मिलेगा। अगर उस महामुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम हार जाती है और अपने बचे हुए दोनों महामुकाबलों में मुंबई इंडियंस की टीम अच्छी तरह से यहां पर जीत दर्ज कर लेती, तो भाई मुंबई इंडियंस की टीम यहां पर आईपीएल 2021 के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाएगी। यानी भाई अब मुंबई इंडियंस की टीम यहां पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुकी है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पर, केकेआर की हार यहां पर हिटमैन की सेना को करने वाली है पार, जिसके चलते भाई ये जो रेस है, ये जो जंग है, वो और भी ज्यादा लेजेंडरी हो रही है। लेकिन सबसे जरूरी जो पॉइंट है वो ये है कि अपने बचे हुए दोनों महामुकाबलों में मुंबई इंडियंस की टीम को हर हालत में यहां पर जीत दर्ज करने की, दो में से एक महामुकाबला तो इनका राजस्थान रॉयल्स के साथ ही होने वाला है, जिसके चलते भाई ये जो जंग है, मतलब मैंने आप सभी को बताया कि काफी शानदार होने वाला है। प्लस का पूरा सिनेरियो यहां पर सेट हो चुका है, तीन टीमें यहां पर क्वालिफाई कर चुकी हैं। लेकिन अगर यहां पर केकेआर की टीम उस मैच में जीत जाती है तो भाई केकेआर डायरेक्ट यहां पर क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि उनका नेट रन रेट यहां पर काफी शानदार है, जिसके चलते भाई मुंबई इंडियंस को यहां पर बाहर होना पड़ेगा। लेकिन भाई अब यहां पर मुंबई इंडियंस का जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है। तो दोस्तों कुछ ऐसा प्लेऑफ्स का सिनेरियो यहां पर मुंबई इंडियंस के लिए बन रहा है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मुंबई इंडियंस की टीम कर पाएगी आईपीएल 2021 के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से एमपीएल ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिए। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क।